In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin, बात करेंगे law admission test की preparation के बारे में. आज जो है वो test session 2 है. आज आपने search, मेरा पहला lecture किस तरह search करना है आपने, और उससे भी पहले अगर आपने देखना हो तो आपने लिखना है अच्छी सी latest preparation, मेरा lecture आ जाएगा भाई अब्दुल रहमान यासीन. पहला lecture जो test session 1 है, आपने लिखना है test session 1 law admission test preparation या latest preparation test session 1 by अब्दुल रहमान यासीन. बाय अब्दुल रहमान यासीन नहीं लिखेंगे तो नहीं आएगा. टेस्ट सेशन 1 बाय अब्दुल रहमान यासीन, टेस्ट सेशन 2 बाय अब्दुल रहमान, सारे 21 टेस्ट आएंगे, सारे इसी तरह सर्च करने हैं आपने. आज हम जो है ना सेकंड टेस्ट जो है ना डिस्कस करने लगे हैं. आज हमने पढ़ना है पार्ट स्टडी का सेट 3 सेट 4, सिनोनिम की लिस्ट 2, और प्रेपोजिशन जो है वो बाय, सिंस, और फॉर. ये तीन चीजें आज हम डिस्कस करनी है. तो सबसे पहले हम जो है ना वो बाय का इस्तेमाल करेंगे. बाय का इस्तेमाल क्या है? बाय एक प्रेपोजिशन है. बाय को और भी बहुत सारे यूजेज हैं, बट बाय के हमने जो यूजेस देने हैं वो एज अ प्रेपोजिशन देने हैं. बाय का जो पहला इस्तेमाल है वो क्या है? पहला इस्तेमाल ये है कि जब भी हमने कोई जरिया बताना होता है कि मैं गया और किसके जरिए गया, बस के जरिए, आपने खत लिखा, किसके जरिए लिखा, पेन, जितने भी जराए आपने बताने होते हैं उस जराए के लिए भी आप क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं. आई एम रिटन अ लेटर या आई एम रोट अ लेटर बाय पेन. मैंने जो पेन खत लिखा उसके जरिए लिखा, पेन के जरिए लिखा. ही किल्ड हिम, उसने उसको मार दिया, किसके जरिए? गन के जरिए. ठीक है, और कितने भी जरिए. आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद बाय बस. आई एम गोइंग टू जद्दा बाय PIA. अब जितने भी जरिए हैं ना, जरियों को बताने के लिए बाय का इस्तेमाल किया जा रहा है. आई एम रिकॉर्डेड, आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो बाय माई सेल्फ. आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो बाय माई कैमरा. आई एम रिकॉर्डिंग माई वॉइस बाय माई माइक. जरियों को बताने के लिए आप क्या लगाते हैं? आप बाय का इस्तेमाल करते हैं. पहला इस्तेमाल बाय का क्लियर हुआ. दूसरा बाय का इस्तेमाल क्या है? कि जब भी आपने डूअर, काम करने वाले को जब आपने प्रेजेंट करवाना हो कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, काम वीडियो बनाना ही काम है, तो काम करने वाले को जब आपने सेंटेंस में लेकर आते हैं तो आप बाय का इस्तेमाल करते हैं. दिस वीडियो इज मेड बाय अब्दुल रहमान यासीन. वीडियो बनाना, वीडियो किसने बनाई? अब्दुल रहमान यासीन ने बनाई. डूअर, काम करने वाले को जब आप अपने सेंटेंस में लेकर आएंगे तो आप बाय का इस्तेमाल करेंगे. दिस वीडियो इज मेड बाय अब्दुल रहमान यासीन. ये किताब लिखी है किसने? लिखी किताब, इतना ही काम है. ये किताब लिखी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये काम किया. अब काम करने वाले से पहले आप बाय का इस्तेमाल करेंगे. दिस बुक इज रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. दिस, ये खाना बनाया, खाना बनाने काम है. किसने बनाया जी? शेफ ने बनाया, शेफ अली ने बनाया. दिस फूड इज कुक्ड बाय शेफ अली. अब काम करने वाले से पहले आप बाय लगाएंगे. ये काम फलां ने किया, ये काम फलां ने किया. काम करने वालों के नाम से पहले आप बाय लगाएंगे. दो यूज क्लियर हुए बाय के. तीसरा बाय का इस्तेमाल क्या है? कि जब भी आप डेडलाइंस का जिक्र करें कि आप ये फाइल इस दिन तक जमा करवा सकते हो, आपने ये मुझे मंडे तक देनी है, आपने वीडियो मेरी आज 21वीं से पहले पहले देखनी है, आपने जो फीस है लेटर्स की वो 8 तारीख से पहले पहले पे करनी है. डेडलाइन, जितनी भी डेडलाइंस का जब जिक्र होता है तो डेडलाइन से पहले भी आप क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं. और भी बहुत सारी प्रेपोजिशंस हैं जो लगा सकते हैं. अंटिल लगा सकते हैं. फी इज सबमिटेड अंटिल 12. आप 20 तक जो है ना फी जमा करवा सकते हैं. प्रेपोजिशन एक दूसरी जगह इस्तेमाल होती जाएंगी. मैं जितनी बताऊंगा भी इसके साथ वो भी प्रेपोजिशन यूज हो सकती है. इसके लिए वही यूज हो सकती है. प्रेपोजिशन एक दूसरी जगह इस्तेमाल होती रहती हैं. कौन कौन सी होगी मैं बताता जाऊंगा. इस तरह के मैंने बाय का पहला इस्तेमाल बताया कि जो जरिया बताने के लिए. आई रॉट दिस फाइल बाय पेन. मैंने ये लेटर लिखा पेन के जरिए. आई रोट दिस फाइल विद पेन. मैंने ये खत पेन के साथ लिखा. पेन के जरिए कहूँगा मैंने ये खत पेन के जरिए लिखा है, तो फिर मैं जरिए के लिए बाय लिखाऊंगा. ये मैं रिटन बाय पेन. ये खत मैंने पेन के जरिए नहीं, पेन के साथ लिखा है. दिस खत इज रिटन बाय पेन. अब विद पेन, पेन के साथ. तो ये जो दूसरा हमने पढ़ा, जो कौन सा पढ़ा, मेरे जहन से निकल गया. जो हम तीसरा पढ़ रहे हैं ना वो हम पढ़ रहे हैं अपना ये काम करने वाला जो प्रेजेंट करवाना हो. दूसरा जो समझे वो क्या, काम करने वाले को प्रेजेंट करवाना हो. दिस होम इज मेड बाय डॉक्टर अली. ये घर बनाया है डॉक्टर अली ने. ठीक है, तीसरा हमने बताया कि डेडलाइन. फी इज सबमिट बाय 19 जनवरी. फी आपने 19 जनवरी तक जमा करवानी है. ये वाला जो यूज है बाय का तीसरा, इसकी जगह आप अंटिल भी यूज कर सकते हैं. कि फी जमा हो सकती है अंटिल 12, 12 तारीख से पहले पहले. मैं 12 तारीख तक टेक ऑफ तक. ये आंसर में यहाँ पे अंटिल लगना है या यहाँ पे बाय लगना है. डेडलाइंस के लिए बाय लगाते हैं या अंटिल लगाते हैं.
बाय या अंटिल सर, अगर दोनों ऑप्शन आ गए, नहीं दोनों नहीं आएंगे, अगर दोनों ऑप्शन आएंगे तो तीसरी ऑप्शन होगी बोथ ए बी, बोथ, अगर बोथ के ऑप्शन नहीं होगी तो फिर दो ऑप्शन वो सही देगा तो वो खुद ही गलत हो जाएगा, एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। हमने तीन इस्तेमाल पढ़ लिए। चौथा इस्तेमाल बाएगा ये है कि कोई चीज़ आपके आसपास हो, ये मेरे पास ही खड़ा है, ये अली मेरे पास ही खड़ा है, अली इज स्टैंडिंग बाय मी। यहाँ पे बाय का जो इस्तेमाल हो रहा है करीब तरीन चीज़ों के लिए हो रहा है, कोई चीज़ आपके आसपास हो। ये मैं पेज पर कह रहा हूँ, मुझे आप शुभाशी ना समझ लीजिएगा कि मैं बच्ची वाला पढ़ने में, ये मैं सिलेबस लिखा हुआ है, शुभाशी ना समझिएगा। खैर, कोई चीज़ आपके आसपास हो तो आपने क्या लगाना है, बाय लगाना है। माई स्कूल, ये बाकी मेरे स्कूल की दीवार ना है ना, ये बिल्कुल साथ वाली दीवार स्कूल की है। माई स्कूल इज सिचुएटेड नियर माई होम, मैं यहाँ से पढ़ा नहीं हूँ लेकिन मैं साथ वाले से पढ़ा हूँ। ओ माई लॉर्ड, जी को क्या हो गया है, क्या था यार। हाँ, स्कूल इज सिचुएटेड बाय माई होम, स्कूल जो है घर के करीब ही वाक्य, ही स्टैंडिंग बाय मी, वो मेरे घर के पास ही खड़ा है। अब ये जो बाय का इस्तेमाल है, कोई चीज़ आपके आसपास हो तो बाय लगा दो, यहाँ पे नेर भी लग सकता है। माई स्कूल इज सिचुएटेड नेयर माई होम, अब ये जो बाय का यूज है कोई चीज़ आसपास हो, ऐसे ही ऐसा नेर का इस्तेमाल है, ही स्टैंडिंग नेयर मी, ही स्टैंडिंग बाय मी, दोनों ही ठीक है। तो बाय का जो यही इस्तेमाल है ना, यहाँ पे नेर भी लग सकता है, बाय भी लग सकता है, लेकिन हमने बाय के इस्तेमाल तो पढ़ने आना, नेर के ऑप्शन ना दे बाय के ऑप्शन दे दे तो हमें पता होगा कि बाय की ऑप्शन, बाय का एक इस्तेमाल ये है कि कोई चीज़ आपके आसपास हो तो आप बाय लगाएंगे। ही स्टैंडिंग बाय मी, माई स्कूल इज सिचुएटेड बाय माई होम, यहाँ पे नेर भी लग सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया दोनों ऑप्शन नहीं आएंगी, या दोनों आएंगे तो फिर तीसरी ऑप्शन बोथ की होगी, बोथ मतलब दोनों ए बी। बाय को हमने पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है सिंस और फोर को। सिंस, मैंने पिछले टेस्ट सेशन वन में मैंने कहा था कि जब भी टाइम की बात आए एट लगा दो, कहा था ठीक है, कहा था मैंने, कहा अगली नई बात में ऐड कर रहा हूँ, मैंने कहा जब भी फ्यूचर की टाइम की बात आए तो आपने एट लगाना है। आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा, विल आ गया, आई विल मीट यू ऑन एट 12 o'clock, आई विल मीट यू एट डैश o'clock, आई विल मीट यू एट फलाना o'clock, 9 o'clock, ये तो आने वाले टाइम के लिए आप ऐड लगाएंगे। ये समझ लें कि ये इस साइड के ऊपर फ्यूचर है, इस साइड पे पास्ट है, फ्यूचर के लिए आप ऐड लगाएंगे। यहाँ पे सिंस और फोर का अमल दखल नहीं, ये पास्ट का टाइम है, पास्ट वाले गुजरे हुए टाइम के लिए आपने क्या लगाना है, सिंस लगाना है या फोर लगाना है, यहाँ पे ऐड का अमल दखल नहीं, ऐड का रिश्तेदारी उधर है और इनकी रिश्तेदारी इधर है, प्रेजेंट के लिए भी ऐड लगेगा। गुजरे हुए टाइम, जो गुजरा हुआ है उस क्या नाम लेते हैं, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ 1947 से, आई एम लिविंग हियर, आई एम लिव्ड हियर 1947, मैं 1947 से रह रहा हूँ, ये टाइम गुज़िश्ता गुजरी हुई है, तो यहाँ पे सिंस लगेगा या फोर लगेगा। सिंस ये तो कंफर्म हो गया कि भाई गुजरे हुए टाइम के लिए एट नहीं लगना, लिखना सिंस या फोर है, ये भी बात कन्फर्म होगी, आने वाले टाइम के लिए एट लगना है, सिंस नहीं लगना या फोर नहीं लगना, आने वाले टाइम के, आई विल मीट यू एट 9 PM, जब गुज़िश्ता गुजरे हुए टाइम की बात होगी तो वहाँ हम एट सिंस या फोर लगाएंगे। सिंस कैसे लगाएंगे, फोर कैसे लगाएंगे, इसको समझ लेते हैं, सिंस कैसे लगाएंगे, फोर कैसे लगाएंगे, इसे हम देख लेते हैं। दो चीज़ें, एक आपको पिन पॉइंट पता होता है, ये पिन पॉइंट है, एक आपको बस ड्यूरेशन पता होता है। क्लास होती है 2 घंटे की, मैं कहता हूँ मेरी जो क्लासेस हैं पेड 2 घंटे की एक क्लास होती है, मैंने कहा 2 घंटे की होती है, आप कहेंगे सर ने कहा था क्लास 2 घंटे की होती है, लेकिन ये तो नहीं ना पता कितने बजे शुरू होती है, ये जो जितने बजे शुरू होनी है ये पिन टाइम है, पिन टाइम एग्जैक्ट टाइम पता है आपको, लेकिन अगर एग्जैक्ट नहीं पता तो फिर आप क्या कहेंगे, भाई ड्यूरेशन ही पता है। जब ड्यूरेशन पता हो बस 2 घंटे तो फिर फोर लगाना है, जब पिन पॉइंट पता हो, स्टार्टिंग टाइम पता हो, फिर आप सिंस लगाएंगे। स्टार्टिंग टाइम नहीं पता, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता तो फिर ऐड लगाएंगे। मिसाल लेते हैं, मिसाल देने के, एग्जैक्ट टाइम ना पता हो तो फिर फोर लगाएंगे पास्ट के लिए। जिस तरह She has been walking dash 2 hours, वो काफी देर से वॉक कर रही है, क्या आएगा, She has been walking dash 4 hours, 4 घंटे या 2 hours, वो 2 घंटे से वॉक कर रही है। हमें ये नहीं पता कि कितने बजे शुरू हुई है, 9 बजे शुरू हुई है, 10 बजे, इतना पता 2 घंटे हो गए, ड्यूरेशन पता है हमें, पिन पॉइंट नहीं पता, पिन टाइम नहीं पता, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, एग्जैक्ट टाइम नहीं, तो क्या आएगा, शी हैज बीन वॉकिंग 4 2 hours, लेकिन अगर हम कहें शी हैज बीन वॉकिंग डैश 9 AM, वो 9 AM से वॉक करे तो फिर क्या आएगा, सिंस आएगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम पता है, एग्जैक्ट टाइम पता हो तो सिंस, एग्जैक्ट टाइम ना पता हो तो फोर।
आई एम लिविंग आई एम लिव्ड हियर, मैं यहाँ रह रहा हूँ डैश 1947। अब 1947 तो एग्जैक्ट हमें पता लग गया ये अब इस टाइम से रह रहा है 1947। मैं कहता हूँ मुझे 20 साल ही हो गए यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए, 20 साल तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता, हमें 20 साल पता है तो फिर फोड़ लगाते, लेकिन एग्जैक्ट पता है 1947, फिर हम क्या लगाएंगे, सिंस आई एम लिव हियर सिंस 1947। मैं कहूँ कि मैं 20 साल से रह रहा हूँ, फिर क्या लगाएगा, आई एम लिव्ड हेयर फॉर 12 ईयर्स, मैं 12 साल से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट पता हो तो फिर सिंस आएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा, जब आप टेस्ट देंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। आगे मैंने पढ़ना है फोर का, थोड़ा सा सिंस का ताल्लुक यहीं तक था, इन्हें लीला सिंस हो गया, इन्हें लीला राजी हूँ। अब हम पढ़ेंगे फोर, फोर को थोड़ा सा उसकी बच्चे भी हैं, थोड़ा सा मजीद उसका इस्तेमाल करेंगे। फोर का इस्तेमाल क्या है, अजीम दोस्तों जब भी मैं कहता हूँ ये पेज आपके लिए है, के लिए की इंग्लिश क्या है, फोर है दोस्तों। कहीं पे मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, कहीं भी मैं आपको उसका उर्दू बता दूंगा, कहीं भी कॉन्सेप्ट देना ही जरूरी है, कॉन्सेप्ट देने ही से ही समझ आएगी, कहीं भी सर मैं तर्जमा बता दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। सर मैं कहूँ विद, विद की उर्दू क्या, साथ, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन बाय में कॉन्सेप्ट था, एट में कॉन्सेप्ट था, ऑन में कॉन्सेप्ट था, इसी तरह है फोर के लिए। एक इस्तेमाल तो हमने पढ़ लिया ना, जो तुमने कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने कि वो टाइम पता हो एग्जैक्ट, तो सीन्स ना पता हो बट ड्यूरेशन पता हो तो फोर लगा दो। अभी सीन्स का फोर का दूसरा इस्तेमाल है जिसका के लिए, दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए, के लिए जगह फोर लगा दो, दिस इज फॉर यू, ये मोबाइल आपके लिए है, दिस मोबाइल इज फॉर यू, दिस कैमरा इज फॉर यू, दिस माइक इज फॉर यू, ले जो भाई, दिस माइक इज फॉर यू, आई एम फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हूँ, आई एम एज अ टीचर फॉर यू, मैं टीचर तुम्हारे लिए हूँ, दिस होम इज फॉर यू, ये भी आपके लिए है, के लिए हम फोर लगाते हैं। प्रेपोजिशन खत्म हुई आज की, कल की प्रेपोजिशन जो अब नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है वो टिपिकल सी होंगी, अब ओवर है, अबव है, अपॉन है और अप है, थोड़ा डिफिकल्ट है, हम करेंगे कोई बात नहीं, थ्रू भी है, लेकिन आज के लिए जो है ना उतना ही है। अगली चीज सुन लें दोस्तों, जो हमने आज पढ़ा बाय सीन्स और फोर, इसके साथ साथ आपने abdulrahmanfoundation.com वेबसाइट पर जाना है, वहां पर आपने मेन्यू में जाकर लेटेस्ट नोट्स, लेटेस्ट दो ऑप्शन है, लेटेस्ट नोट्स के ऑप्शन में जाना है, सेनोनिम की, एंटोनिम की नहीं, सेनोनिम की लिस्ट टू आपने वहां से डाउनलोड करनी है, उसका रट्टा मारो, 2 घंटे लगाओ, 3 घंटे लगाओ, साथ इसके जो मेरी बुक आपने डाउनलोड की थी ना, जो मेरी बुक आपने डाउनलोड की थी, उस बुक से बुक को ओपन करो, जो abdulrahmanfoundation.com पर लेटेस्ट की, लेटेस्ट नोट्स, लेटेस्ट की ऑप्शन में पड़ी है, डाउनलोड करके उसके अंदर से जो आपने पासडी की जो ऑप्शन है ना, जो पोर्शन है, उसमें सेट थ्री के भी 50-60 एमसीक्यूज हैं, सेट फोर के भी 60 एमसीक्यूज हैं, वो भी आपने प्रिपेयर करने हैं। ये सारे जो टेस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में टेस्ट है ना, वो किस किस का है, बाय का है, सिंस का है, फोर का है, सेनोनिम की लिस्ट टू है, पाकिस्तान स्टडी का सेट थ्री और सेट फोर, इसका ये सारा करने के बाद क्विज खोलना, ये सारा करने के बाद क्विज खोलना, क्योंकि इन सबका क्विज एक बना हुआ है, अदरवाइज प्रेपरेशन खाली अटैम्प्ट करके आप क्विज अटैम्प्ट करके तो फायदा नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। अब तक के लिए इतना ही था, अब दुर्मा को दीजिए इजाजत, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, सेट किसने करना है, लैट टेस्ट सेशन 2 बाय अब्दुलरमान यासीन, लैट टेस्ट सेशन 3 बाय अब्दुलरमान यासीन, मैं आ जाऊंगा वहां पर, अब्दुल वमा लेना है, थैंक यू।